महिला हिंसा एक कानूनी अपराध है। ऐसे अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आइए मिलते हैं आसमा देवी से, जो बोकारो जिला गोमिया प्रखंड नाइट टोला की रहने वाली आसमा देवी, जो अपने पूरे परिवार से अलग 5 माह से अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान पर रहती है, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक दिन में जैसा मिलता है माल, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी 150 कमा लिए, कभी 200 कमा लिए, कभी 300 कमा लिए, जैसा मिलता है वैसा हो जाता है, और जैसा नहीं होता है तो कभी नहीं होता है। तो 100-200 मालिक से मांग लेते आ जाते हैं घर। हमसे लड़ाई हो गया था 7 लोग से, तो हम हट गए वहाँ से, बाहर छकर कर बनारस में, मैं ईट भट्टा में काम करता था। भुरकुंडा से वहीं चक्कर चला था, वहीं से भागा वो लोग सब, भाग उठ के बनारस चले गए। तो फिर मेरे सास लोग आने जाने करते थे, लेकिन उनसे बात नहीं करता था, फोन में अपना माँ लोग से बात नहीं करती थी, आता था जाता था। फिर 9 महीना बाद आया फिर मेरा यहाँ, तो आया तक नहीं है ऐसा काम हो गया, और रुक गया था, हमको मालूम भी नहीं था। चुप से रहे दादी, रुक गया था, हमको मालूम भी नहीं चला था, पेट में बच्चा रुक गया। और अभी बोलता है मेरा नहीं है, जब मेरा नहीं है दूसरा का। अब हम काम करते हैं, ठीक ना, अब काम करेंगे हम, अपना गोदाम का मालिक से बात नहीं करेंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। तर अभी वो जो शादी कर लिया है वो भी यहाँ ही है, बोले छोड़ो जाने दो, अब लास्ट में लोग हो गए, अपना 3 बच्चा है, कमाते हैं खाते रहते हैं, आता है तो लोग से बातचीत करता है, बिस्कुट उस्कुट ले देता है, फिर चल जाता है। तुमसे बात करता है? हमसे बात नहीं करता है। सामने दुकान में खड़ा रहता, पूछना ना चाची से, ऐसी बगल में खड़ा होकर सामान लेता है, हमसे नहीं बोलता है जासमा कैसी है। तो क्या करेगी, रहेगी कि नहीं? हमको उसके साथ नहीं रहना, नहीं कल उसका शादी हो गया, तो अब उसको छोड़ेगा भी नहीं, तो फिर वो मेरा बच्चा लोग को देखेगा भी नहीं। मैं जिंदगी में ना कचरा चुने ना कुछ चुने, आज चुन रही इसका ये बच्चा लोग कल ना चुन रहे, तो तुम्हारा भाई का फिर फायदा कहाँ हमको। मैं और मेरे समुदाय वाले चाहते हैं कि आसमा देवी को सामाजिक न्याय मिले, जिससे उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। आप सभी दर्शक देखने वालों, समुदाय दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आसमा देवी को सामाजिक न्याय मिले, जिससे उसके बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। मैं मंजू राज, गोमिया प्रखंड, जिला बोकारो, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।